विश्वासों के साथ गुरु और भगवान की शरणागति में कम से कम 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम करना चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, उनको तो हम यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से शुरू कराते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन आप तो सब जवान हैं इसलिए तेजी से ही शुरू कर देते हैं। और जब प्रार्थना पूर्ण हृदय से हम तेजी से व्यायाम करते हैं पूरे उत्साह से, तो पूरा शरीर हमारा ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। हम सब ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, भगवान की, धरती माता की दिव्य संताने हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे रिदम के साथ तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना भगवान के शाश्वत के सच्चे यंत्र बन जाए। लंबे लंबे ये भूल के तमन मेरा गुरु है, तेरे आने से हर्षित है। जितना भी सुनो तुम
शीर्षासन, सर्वांगासन, एक एक दो दो मिनट अवश्य ही करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चलो सब करो हलासन। हे विश्व नियंता, हे जगदीश्वर, हे परम पिता, चलो खड़े होकर के
शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन के बाद चक्रासन करो खड़े खड़े। हाँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, एकदम से एक सेकंडों के हिसाब से होना चाहिए। देखो, हाँ, ऐसे चक्रासन, भोर में अपने आप को तैयार कर लेते हैं, योग करके, कर्म योग के लिए। पश्चिमोत्तानासन, चलो श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और माथा घुटनों से लगा लिया। बच्चे तो पश्चिमोत्तानासन के साथ साथ पैर फैला करके भुवनमनासन भी कर ले। बाकी जो आप में से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ये अपना पश्चिमोत्तानासन से ही गुजारा कर लो। हाँ, चलो झुको, पश्चिमोत्तानासन या भुवनमनासन, कुछ बैठे बैठे मुझे ही देखत है। हे विश्वनियंता, मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो। हे विश्वनियंता, मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो। हे विश्वनियंता, मेरे जीवन के सकल विकार हरो। अंतस्थल में शुचिता भर दो, जीवन में ज्योति प्रकाश करो। अंतस्थल में शुचिता भर दो, जीवन में ज्योति प्रकाश करो। हे विश्वनीय सकल विकार हरो। पांच से दस आसन बच्चों के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन पर्याप्त है, साथ ही मंडूकासन कपाल भाति के साथ एक एक मिनट भी कर लेते हैं तो पूरा पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र हमारा है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता। मेरा जीवन अचल सुंदर निर्मल, निर्मल जागृत कर दो। ऐसे पीछे झुक गए बच्चों के लिए, एक हेल्दी आदमी के लिए ऐसे एक दो आसन आगे झुकने वाले, एक दो पीछे झुकने वाले भी एक एक मिनट कर लिए, पूरा शरीर स्वस्थ सुप्त हो जाए।
से लेकर के बड़ों तक की एक समस्या रहती है, पेट ठीक नहीं है। पाचन यदि ठीक हो तो बचपन से लेकर यौवन से और वरिष्ठ नागरिक सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा। एक दो मिनट तक आगे झुक करके रुकना और कपाल भांति करना, फिर सुप्त और वज्रासन। पहले योग मुद्रासन एक से दो मिनट लगातार करना है कपाल भांति के साथ, फिर सुप्त हो करुणा मेरे अंदर में दीनों दुखियों पतितों के लिए, जग में पावनता भर दो मुझको गंगा की धार। करते रहो जब तक मैं नहीं बोलता, बीच में क्यों वापस आ गए भैया? आगे झुक के रहो। पूरे जीवन को निर्दोष बनाना और उसके लिए योग साधना और साधन की एक प्रक्रिया है। पीछे झुक जाओ, कर ऐसे पीछे झुक गए और लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्री का कपाल भाती या बाह्य प्राणायाम ऐसे लगातार करते रहे, बीच में उचक पुचक नहीं होनी चाहिए।
अपना साधन, अपनी साधना ऐसी हो कि हम अपने साध्य की ओर एक एक कदम बढ़ते चले और एक दिन हम अपने साध्य की ओर बढ़ते हुए अपनी साधना, अपना साधन करते हुए तन से तो निरोगी हो ही जाते हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात है, मन से निर्दोष हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, सारे दुर्विचारों के, दुर्भावनाओं के, दुर्गुणों के, दोषों के बीज दग्ध हो जाते हैं। हम योग साधना, योग का साधन करते हुए पूर्ण निरोगी हो जाए, तन से पूर्ण निरोगी, मन से पूर्ण निर्दोष, निर्द्वंद, निर्वैर, निर्भय, निर्विकल, ये निर्बीजता, ये जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है, यही जीवन की शुद्धता है, पवित्रता है, और यही बुद्धता है, बुद्ध होना। ऐसे एक एक मिनट भी कर लिया, बैठ जाइए। ऐसे एक एक दो दो मिनट, जब एक एक आसन हो जाता है ना तो इसका पूरा लाभ होता है। मैंने देखा लोग योग तो करते, अभी ये भी इस संसार के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, वर्षों के बाद या कहें कि युगों के बाद इस 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के कमोबेश 200 करोड़ लोग योग करने लग गए हैं। ये इस युग के परिवर्तन का बहुत बड़ा आगाज। और आज से लगभग 3 दशक पहले, लंबे गहरे श्वास भरेंगे, जब लगभग 3 दशक पहले गुरुकुल से पढ़ करके हम हिमालय पर चढ़े, ऊपर गंगोत्री गोमुख तपोवन तक, और देखा कि योग इस जीवन जगत का जो बहुत बड़ा सत्य, युजिर योग युज समाधौ, योग समाधि, समाधि समाधानम, योग में ही से जगत की सारी समस्याओं का समाधान सन्निहित है। लंबे गहरे श्वास भरो। और युजिर योग का एक अर्थ ये भी है कि योग में सारे सत्य सन्निहित है, योग में सारे सत्य जुड़े हुए, संयोजित, सारे सत्यों का संयोग योग में, जीवन के वैयक्तिक सत्य, दृष्ट और अदृष्ट सत्य, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सत्यों का, जीवन और जगत के सत्य ही नहीं परम सत्यों का समावेश योग में। When I am talking broadly about yoga, जब मैं योग के सत्य को व्यापकता से कहता हूं और अनुभव करता हूं, तब देखता हूं द होल लाइफ इज योग एंड वाट एवर वी आर लुकिंग, वाट एवर वी आर अचीविंग इन आवर लाइफ, दीज ऑल थिंग्स आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा। योग इज लाइफ
लाइफ इज योगा. द हेल्थ, द वेल्थ, द प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस इन अवर लाइफ. Different excellent achievements, wisdom, victory, the success of life. These are the byproducts of yoga. यदि हम योग करते हैं तो जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, पूर्णता, दिव्यता, ये तो मिलेंगे, ये तो इसके परिणाम है. जगत का बहुत बड़ा सत्य है कर्म, और कर्म का परिणाम, कर्म और कर्म की फलश्रुति, कर्म एक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ एक्शन, ये तो होगा. कर्म और कर्म का फल मिलेगा. प्रारब्ध और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये तो जीवन के निष्कर्ष है. शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कर्म से होगी, पुरुषार्थ से. कर्म का फल परिणाम वो तो होगा ही ना. लंबे गहरे श्वास. बच्चों को तो ऐसे तेजी से करना चाहिए. देखो ए बच्चों, चुपचाप नहीं बैठो. ये बच्चों वाला स्टाइल है, जवानों वाला. ये तो बुजुर्गों वाला स्टाइल है. ये बुजुर्गों को ऐसे ही करना चाहिए. और ये भी एक बड़ी बात है, भोर में उठते ही करोड़ों लोगों की सुबह मेरे साथ शुरू होती है. योग अरविंद के साथ, स्वदेशी के साथ, अपनी संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़ते हुए करोड़ों लोग अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, और इससे उनका जीवन पूरा रूपांतरित हो रहा है. वो योग व्रत में, स्वदेशी के व्रत में योग व्रति बन रहे हैं, यज्ञ व्रति बन रहे हैं, स्वदेशी व्रति बन रहे हैं. योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, प्रकृति का, संस्कृति का, सत्य के व्रत में वो दीक्षित हो रहे. लंबे गहरे श्वास सामान्य जनों के लिए, जिनका मध्यम बल है और जिनका तीव्र बल है, वो मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, पिछले 25 सालों से तो जैसे जमाने ने मुझे देखा है, 25-30 सालों से ज्यादा लोग जानने लगे. इससे पहले ज्यादा नहीं जानते थे, जब गुरुकुल में था, गांव में था. लेकिन मैं 25 साल पहले जैसा था वैसे आज भी हूं. और मैं कुछ लोगों को देखा, 5 साल बाद में पहचान ही नहीं आए, पूरे गोल मटोल, भूगोल, फुटबॉल बन गए. 5 साल पहले देखे थे तो 60 किलो के, और 5 साल बाद आए तो 120 किलो के. क्यों? योग नहीं किया. एक योग न करने से जीवन की सारी हानियां हैं. भस्त्रिका के बाद चलो कपाल भाति करो, और कोई भी खामोश नहीं बैठेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे. मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, घृणा है, बैर है प्रमाद से. किससे बैर है बोलो, जोर से बोलो. ये तो बैर हो गया. और प्यार किससे है? पै माने प्रमाद, और पै माने पुरुषार्थ. तो पुरुषार्थ मुझे बहुत प्यारा है, और इस पुरुषार्थ ने ही सबको तारा है. और जो पुरुषार्थ नहीं करते वो सबसे नकारा है. कवाल बात करो. एक योग न करने से जीवन की सारी हानियां. योग नहीं करेंगे तो चारों ओर शत्रु मुंबई खड़े हैं.
रोग, क्लेश, विकार, वासनाएं भीतर घुस जाएंगी, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष तुम्हारे भीतर से ही पैदा हो जाएंगे, और ऐसे पैदा होंगे तुम ऐसे बहा करके ले जाएंगे, ऐसे बहकाएंगे कि तुम संभल ना पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस जीवन जगत में अंधियारा भी बहुत है और प्रकाश भी अनंत है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात भास्य महात्मनो। जैसे उस प्रभु में अनंत प्रकाश, अनंत ज्योति है, हजारों लाखों करोड़ों सूर्य जैसे, ऐसी वही ज्योति, वही परम ज्योति तुम में भी है, अनंत प्रकाश भी है तुम में, अनंत ज्ञान है तुम में, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, अनंत प्रतिभाएं, अनंत कुशलताएं हैं, अनंत अनंत तुम्हारे भीतर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय है। इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड, तुम्हारे जीवन में ही जगत के सारे सत्य सन्निहित है। एक तो ये, और दूसरा मैं कल भी कह रहा था, अनंत दुख है, अनंत दारिद्र्य है, नैराश्य है, कुंठाएं हैं, दुर्बलताएं हैं, विकार हैं, दोष हैं, क्लेश हैं, नकारात्मकता भी जगत में चारों तरफ भरी हुई है। और जैसा जैसी हमारी भाव चेतना होती है वैसी ही चीजें उसी डायरेक्शन में ये पूरा अस्तित्व, जैसा हम चाहते हैं उसी डायरेक्शन में हमें धकेलता रहता है, उधर ही बढ़ाता रहता है। यदि हम नेगेटिव होते, नकारात्मक भाव चेतना में होते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिव फोर्सेस हमें इस तरह से तोड़ देती हैं, दबोच लेती हैं कि आदमी उभर ही नहीं सकता, उभर ही नहीं सकता एक क्षण के लिए भी। ए भाई साहब, थोड़ी के नीचे हाथ लगा कि क्यों बैठे, सीधा बैठ। हाँ, गलत बात, अभी बोला था ना सीधा बैठो, ऐसे बैठो, पद्मासन में बैठा है तेरा गुरु और तू गुरुआसन में बैठा है चेला होकर के, सीधे बैठो करो, कोई इधर उधर ताका झाकी नहीं करो। अब योग के समय पूरा योग, और जिनको शास्त्र अभी सुनाने हैं तो अंदर अंदर अष्टाध्यायी चलती रहे, जिनको दर्शन उपनिषद सुनाने हैं, जिनको भगवत गीता सुनानी है, पंचोपदेश सुनाने हैं, तो योग चलता रहे शरीर के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर, तुम्हारे शास्त्र चलते रहे। हमने तो ऐसे ही किया, 500 दंड लगा रहे, और 500 दंड लगाते लगाते ही अष्टाध्यायी के 2-3 अध्याय धोरा लिए, दूध निकालते निकालते ही आधी अष्टाध्यायी का पाठ कर लिया। टॉयलेट जाते थे आधा आधा 1-1 किलोमीटर दूर, तो जाते आते समय ही शास्त्र का पाठ कर लिया, धातु पाठ, अष्टाध्यायी, शास्त्र का पाठ हो गया। चित्त हमेशा अपने ध्येय में लगा रहे, और योग के समय योग तो करना ही है, ऐसे तुम कह रहा था जिस तरह की भाव चेतना के हम होते हैं वैसे ही इस ब्रह्मांड की फोर्सेस नेगेटिव या पॉजिटिव उसी तरफ हमें धकेल देती है। यदि नकारात्मक भाव चेतना है तो हमारी नेगेटिव फोर्सेस इस तरह से आकर के दबोच लेती हैं कि फिर आदमी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफीनिया और यहां तक कि फिर सुसाइड कर लेता है, ये हालात होती है। और यदि हम सकारात्मक भाव चेतना में होते हैं, कपाल भाती के बाद आओ बाह्य प्राणायाम करते हैं,
त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम और ये ऊर्ध्व रेता हमें बना देता, ऊर्ध्व चेता बना देता, अंतर्मुखी बना देता। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों को जागृत करने के लिए कपालभाति हम आधा से एक घंटा और बाह्य प्राणायाम भी 11 से 21 बार 51 बार कर। एक बूंद भी हमारी शरीर की शक्ति रत्ती भर भी अधोगामी ना हो, हम ऊर्ध्वगामी बने, ऊर्ध्व रेता बने, तो ये ऊर्ध्व रेता बनने का साधन है प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध के साथ। ऐसे करें 11 से 21 बार। जिनसे बाह्य प्राणायाम नहीं हो पाता तो श्वास को बाहर होल्ड करके एक मिनट में 30 से 60 बार तक ऐसे पेट का आकुंचन और प्रसारण होता है। अभ्यास के बाद तो 100 बार तक कर लेते हैं, जठराग्नि पूरी प्रदीप्त हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक 1 से लेकर के 3 बार तो स्वस्थ व्यक्ति को भी कर लेना चाहिए। और जिनको थायराइड आदि की समस्या होती है, टॉन्सिल, स्नोरिंग, सिर्फ अपने आदि की, तो उनको तो 21 बार तक करा देते हैं। से 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। ये उज्जायी प्राणायाम 1 से लेके 21 बार तक करवा देते हैं। और जो 100-150 mg तक थायराइड की समस्या के लिए थायरोक्शन आदि, हाइपो हाइपर थायराइड आदि में अलग अलग औषधियां ले रहे थे, बंद हो जाती है। चलो अब करते हैं अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत और प्राणायाम की प्रक्रिया को करते हुए पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही अनुलोम विलोम बोला तो हाथ उठ जाना चाहिए ऐसे ऐसे, और अनुलोम विलोम होना चाहिए सबका हाथ उठा हुआ, अनुलोम विलोम एक रूपता के साथ, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। चलो ए बाबू इधर उधर क्यों देख रहे हो, इधर देखो, योग करो। हाँ, गलत बात है। अपने ध्येय में ऐसा अभ्यास होना चाहिए बचपन से, अनुलोम विलोम पूरा, एक क्षण के लिए भी। बहुत बड़े बड़ी बात है, बहुत बड़ा सत्य है जीवन का, एक क्षण के लिए भी हम अपने ध्येय से डिगे नहीं, एक क्षण के लिए भी अपने साधन से, अपनी साधना से, अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, हटे नहीं, डिगे नहीं, बहके नहीं, भ्रमित ना हो। अनुलोम विलोम बचपन से ही ऐसा अभ्यास कीजिए। मैं बार बार एक वाक्य कहता हूं, मैं अपने सभी शिष्यों को
अपने सब बालक बालिकाओं को, अपने पूज्य सन्यासियों को, पूज्य साध्वी बहनों को, इन श्रद्धामयी बेटियों को और आप सब भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप आप सब भाई बहनों को, छोटे बालकों से लेकर के आप सब बड़े भाई बहनों को और आप ही को, क्यों मैं इस सारे संसार को पूर्ण निर्दोषता के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे अभी भजन गा रही थी बेटियां, हे विश्व नियंता मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो, सारे विकार सारे दोष दग्ध हो जाए, हम दग्ध बीज निर्बीज हो जाए, योग करते करते ये सारी घटना अपने आप घटती, अनुलोम विलोम लय के साथ करना, योग पूरा करे, कर्म योग पूरा करे। अभी श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री भी थोड़ी ही देर में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले, और मेरे दाएं बाएं जिन जिन बच्चों को जो जो शास्त्र सुनाने वाले वो भी पूरी तैयारी करके बैठ जाएंगे। वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के हमारे सभी पुण्यात्मा भाई बहन, दर्शन वर्ग के सब भाई बहनों को इधर बाईं तरफ दाईं तरफ जैसे जिसके लिए बैठने के लिए स्थान नियत किया गया है, गीता उपनिषद अपने अपने वर्ग नायक के साथ, दर्शन वर्ग के भाई प्रीतम जी के साथ, गीता वर्ग के पूज्य स्वामी ईशदेव जी के साथ, उपनिषद वर्ग के पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ, और पंचोपदेश के बालक बालिकाएं पूज्य साध्वी देवश्री जी के साथ, और ऐसे ही फिर छोटे 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 हमारे बालक बालिकाएं, नर्सरी के बालक भी योग दर्शन सुनाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी, अतः योगानुशासनम, योग अपने शरीर अपने इंद्रियों अपने मन पर अनुशासन से होता हुआ कैसे हमें आत्मवृत्ति में अपने ब्रह्म वृत्ति में जोड़ता है, और हम अपनी आत्म चेतना से उस ब्रह्म चेतना से भागवत चेतना से जुड़ करके उससे एकात्मता उससे तदात्म हो करके उसके साथ तादात्म्य भाव से जुड़ते हुए एक रूप होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नर्सरी के बालक योग दर्शन, फिर LKG के बच्चे गीता, फिर UKG के अष्टाध्यायी, और फिर पतंजलि गुरुकुलम के शेष बालक अष्टाध्यायी धातु पाठ निघंटु उपनिषद और भगवत गीता सुनाएंगे। ये प्रतीकात्मक रूप से, अनुलोम विलोम तो पूरा करना ही है, अनुलोम विलोम करते करते मैंने सूचना दी थी जिनको शास्त्र सुनाने और जिनको शास्त्र नहीं सुनाने वो तो अनुलोम विलोम करो। ऐसे अनुलोम विलोम 10-15 मिनट निरंतरता पूर्वक करना होता है लय के साथ। चलो एक भजन के साथ करा देते हैं। देखो भजन के साथ कीर्तन के साथ योग करते करते हम एकात्म हो जाते हैं उस परम तत्व के साथ, उस परम सत्य के साथ, उस परम गुरु के साथ, परम पिता के साथ, परमेश्वर के साथ।
नयना नीर भरे। प्रभु हम आपके साथ ऐसे एकात्म रहे, आप में ही सकल संसार को देखें, सब प्यार को, सारे विविध नाना नाम रूप प्रभु आपसे, और सब इन नाम रूपों में और नाम रूपों के पार प्रभु आप ही सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो। प्रभु आपसे महान और कौन है इस संसार में, किसकी शरण गए हैं प्रभु आपको छोड़ करके। आओ अनुलोम विलोम ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से लगातार करते हैं, ऐसे ही अपने अभ्यास बनाने चाहिए, और ऐसे अभ्यास करा करके हमने लाखों करोड़ों भाई बहनों की सब लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज, सब व्याधियां तो मिटाई, उनको निरोगी बनाया, उनको निर्दोष बनाया, निर्व्यसनी बनाया, उनके तन मन जीवन को निर्मल बनाया, पावन बनाया। अनुलोम विलोम करते रहे, भाव से भक्ति से करना चाहिए। तो योग में ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, लय योग, मंत्र, हठ योग, सब योग में सन्निहित है। और योग में ही अपरा विद्या, परा विद्या, जीवन विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, सब इसी में सन्निहित। बस योग हम पूरी प्रामाणिकता से करें, भगवत शरणागति का, भगवत प्रेम का, तीव्र संवेग, तीव्र संवेग नाम आसन। आइए पहले अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी एकाग्रता से भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम आज्ञा चक्र भ्रकुटीय सस्रार में ध्यान करते हुए करते हैं, तो अपने भीतर जिसमें कह रहा था श्रीमद् भगवद गीता में, जैसे कहा है, हजारों सूर्य जैसे एक प्रकाश पुंज में हम खो जाते हैं दिव्य आलोक। लंबे गहरे श्वास, भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, और तन मन चित्त चेतना प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाता है, और उसमें जीवन का सारा अंधियारा, सारे रोग, सारे दुख, सारे द्वंद्व छट जाते, मिट जाते, हम पूरी तरह से निर्दोष हो जाते। लंबे गहरे श्वास, ओ
मौन हो जाते। एक बार भी हम भ्रामरी करते, एक बार भी उद्गीत ओम की आराधना करते, एक क्षण में हम रूपांतरित हो जाते। एक क्षण में एक बार ओम बोला और ओम के हो गए, ओम में खो गए, तन्मय तद्रूप हो गए। ऐसी हमारी भावचेतना, ऐसा हमारा अभ्यास हो, तत्र स्थितो यत्नाभ्यास। प्रारंभ में इसके लिए इस योग वृत्ति, इस आत्म वृत्ति से, इस गुरु वृत्ति, इस ऋषि वृत्ति, इस दिव्य वृत्ति से, ब्रह्म वृत्ति से जो हमें हटाते, उन भावों को हटाना पड़ता है, उन विचारों को, उन विकारों को, उन दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को, दुर्गुणों को, दोषों को हमें हटाना पड़ता है प्रारंभ में। इसके लिए कहा अभ्यास वैराग्य, उनसे राग हटाना पड़ता है जो हमें अपने से हटाते हैं। एक क्षण में हम भगवान के साथ एकात्म, प्रभु आपकी शरण। दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए, तो अभी मैं बोल रहा था हमें भगवान के साथ एकात्म होने में कितना क्षण समय लगता है, मात्र एक क्षण। कितना समय लगता है? एक क्षण में। अब हम बहुत व्यायाम किए, बहुत पसीना आया, तो पीछे से मैं देख रहा है ये हवा कहाँ से आ रही है इतनी तेजी से। तो हमारे मूर्ख सेवकों ने जब पसीना आया तो पीछे से बहुत जोर से पंखा चलाया, तो पसीना तेज आ रखा है, और उसमें जो मूर्ख सेवक ने पीछे से कि गुरुजी का पसीना सुखाने के लिए पंखा चलाया, तो ऐसा क्या बताएं, ऐसे तेज पसीना आ रखा है, पानी पी लिया और गला खराब कर लिया, एक सप्ताह बेकार हो गया। ऐसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। तो खैर, एक क्षण की गलती से कई दिनों तक बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ऐसे एक क्षण में हम अपने चित्त को किस में लगा सकते हैं? गुरु में, भगवान में, सद्ज्ञान में, शास्त्र में, संयम में, एक क्षण में लगा लेते हैं। अपने आप को रूपांतरित करने के लिए युगों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, एक क्षण में रूपांतरण हो जाता है। तो चलिए, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक बार तो अपने लिए खूब ताली बजाइए जोर से। आप सब बच्चे बहुत अच्छे, अरे जोर से बजाओ ताली। तो क्यों अच्छे हैं? देखो, इसलिए अच्छे हैं जैसे मैं आपको कहता हूं आपको ऐसे करना है, आप एक क्षण में वैसे ही हो जाते हैं। एक क्षण में, जैसे मैंने कहा कि आप मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि हैं। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो अपनी गुरु परंपरा, अपने ऋषि परंपरा के आप प्रतिनिधि हैं, अपने गुरुओं के प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी है, और मैं पूरे संसार के सामने, क्योंकि करोड़ों भाई बहन हमारे साथ भोर में जुड़ जाते हैं आस्था चैनल पर, और आज हमने पहले एक घंटा तो योग कराया। अब इस योग का जो आधार है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, ये योग जहां से निकला है वो ऋग्वेदु साम अथर्व, वो वेद, वो दर्शन, वो उपनिषद, वो सारे शास्त्र जो हमारी इस योग परंपरा के, हमारी इस भारतीय संस्कृति के, हमारी मूल प्रकृति के आधार हैं, उन शास्त्रों का भी सर्वाधिक जहां पर अध्ययन हो रहा है, उनका कंठकरण हो रहा है, तो वो भी हमारा ये पतंजलि योगपीठ संस्थान। और उसमें
ये छोटे छोटे बालक जो अभी ढाई साल के हैं, अब ये इतने से बालक गांव की भाषा में बोलते हैं तो बोले जिनको रीट पूछना नहीं आता, बोले जिनको नाक पूछना नहीं आता, जिन बच्चों को अभी पता भी नहीं संसार में क्या, ये क्या है, ये संसार क्या है, इसका सत्य क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अपरापरा विद्याएं क्या है, इस संसार का विस्तार, वो छोटे छोटे बालक हमारे शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो इन बच्चों ने क्या याद कर रखा है बहनों, इन्होंने क्या याद किया है, गीता और योग दर्शन। चलो भाई, हाँ योग दर्शन, चलो योग दर्शन इन्हीं से शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो योग का ही सत्र चल रहा है ना, तो योग दर्शन शुरू करवाते हैं, है ना। चलो अभी तो ये उठ करके आया है और उठते उठते ही शुरू कर देते हैं, उठते ही ऐसे ऐसे आंख मसल के और फिर शुरू कर देते हैं, अतः योगानुशासनम योगस चित्तवृत्ति निरोध। चलो शुरू करो, सब बोलो, अथ अरे माइक तो दो इनको, हाँ अच्छा वहां से शुरू किया है सीधा विभूति पाद। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, माइक ही चालू नहीं हुए इनके अभी तो। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। देश बंधस चित्त से धारण से, दोबारा सुनाओ, आपको सुना ही नहीं हमने तो। प्रत्येक तानता ध्यानम तदेवार्थमात्मनिर्वासम षडूप शून्यमिव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्जया प्रज्ञा लोकः तस्य भूमेषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गम् निर्वीजस्य वृथानिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयोः निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तविवाहिता संस्कारः सर्वार्थतैकाग्रतयोषयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणम् अवस्था परिणामः व्याख्याता शान्तोदिता व्यपदश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमाणत्वं परिणामानत्वे हेतु परिणामत्रय संयमादतीता न कदा जान शब्दार्थ प्रत्यारामितरे तराधसा संकरस्तत्प्रविभागा सर्वभूता रुता जान संस्कार साक्षात् करणात् पूर्व जाति जानम प्रत्ययस्य परचित्त जानम न च तस्यालमलं तस्य विषयीभूतत्वा कायरूप संयमात्त्वाय शक्तिस्तम्भे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अन्तधानम सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म। चलो भाई इनके लिए जोरदार ताली बजा दो, रुक जाओ भाई। तो ये योग का विभूति पात की, योग से कौन कौन सी विभूतियां शक्तियां सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, तो वो सिद्धि आपको तो बचपन में ही प्राप्त हो गई है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इनका। अब जो है श्रीमद् भगवद गीता सुनाएंगे, षोडश अध्याय भी द्वादश अध्याय भी, प्रथम अध्याय तो याद है ही इनको। तो चलो दैवी संपद ये तो हमारे बालकों को प्रथम दिन से ही याद करवा देते हैं, चलो वहीं से शुरू करते हैं षोडश अध्याय से। दैवासुर संभव विभाद योगो नामा श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशोधि काल योगा व्यवस्थिति कालम नमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च पाठम अहिंसा सत्यमागो दस्ताग शांति अपैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्तम माधवम लीर चापलम तेज क्षमादिति सोचम अद्रो नादि मानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातोषि भारत तम्पो दर्पो विमानश्च
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ सम्पदमासुरि देवे सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय श्रीमता मासु च सम्पदं देवीं अभिजातोऽसि भारतः लोभूत सर्वो लोकेऽस्मिन् दैवासुरैव च दैवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरं पार्थमेषु प्रवृत्तिं च न वृत्तिं च जनाना विदुरासुर चलो द्वादश अध्याय सुनाएंगे तो बहुत अच्छा सुनाया भाई, ताली बजा दो इनके लिए। सारे एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं। द्वादश अध्याय अथ चलो भाई इसके लिए भी इनके लिए ताली बजा दो। द्वादश अध्याय भी अच्छा याद कर लिया भाई इन्होंने, और अष्टाध्यायी का प्रथम पाद सुनाओ चलो एक साथ मिलकर के। प्रथम छोटे बच्चे हाँ चलो सब सुनाओ। चलो भाई बच्चों ने बहुत अच्छा सुना दिया जोरदार। ये तो सब याद ही कर रखा है इन्होंने तो, चार अध्याय तक याद कर लिए हैं। अब योग दर्शन का दूसरा पाद भी सुना दो। तपह तपह स्वाध्याय चलो भाई ये भी बहुत अच्छा सुना दिया। तो छोटे बच्चों का ये तो अभी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सुना है इन्होंने। अष्टाध्यायी भी काफी, एक दो तीन, जिनको तीन तीन दो दो तीन तीन अध्याय हो गए हाथ उठाओ। अष्टाध्यायी एक दो तीन, क्या बात है, एक बार ताली बजा दो भाई इनके लिए। अब अष्टाध्यायी को लोग कष्टाध्यायी समझते थे वो अष्टाध्यायी याद करने से ना, ये भी एक इसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे हम लोग। जो बचपन में अष्टाध्यायी पढ़ लेता है उसके मस्तिष्क का विकास
किस प्रकार से होता है? देखो भाई, हमने बचपन में अष्टाध्यायी पढ़ी तो लोग कहते हैं कि स्वामी रामदेव का दिमाग जो है ये दसों दिशाओं में कैसे चलता है। तो मैंने कहा भाई देखो, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, हमने बचपन में अष्टाध्यायी पढ़ी थी, ये जो कुछ दिमाग है ये अष्टाध्यायी की देन है और कोई दूसरा कारण नहीं। और इसके ऊपर एनपी सिंह जी, ये आगे का टारगेट रहेगा हमारा, आप इसको डायरेक्शन देना हमारे साइंटिस्टों को, हमारे डॉक्टर सरले, और हमारे दो तरह के बड़े अनुसंधान यहाँ पर चलते हैं, एक आयुर्वेद में जड़ी बूटियों पर और दूसरा योग में। तो योग में जो हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारा अगला रिसर्च का विषय यह होगा, इसके कुछ निष्कर्ष, उसके कुछ पैमाने हैं कि किसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, किसका आईक्यू लेवल कितना है, किसकी मेमोरी कितनी विकसित हुई है, किसकी प्रज्ञा, किसकी मेधा कितनी विकसित है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो बच्चे बचपन में अष्टाध्यायी से लेकर के ऋषियों के शास्त्र पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, उनकी मेधा अत्यंत विकसित होती है। लेकिन इसको विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित हम कर देंगे, अनुभव द्वारा तो ये प्रमाणित है ही, ये इतना बड़ा सत्य है। इसलिए इन छोटे छोटे बालकों ने, ये तो आज थोड़ा प्रतीकात्मक हमने थोड़े से शास्त्र इनसे सुने हैं, और अब इनका तो क्रम पूरा हो गया, अब बड़े बच्चों की तरफ आते हैं। तो हमारे छोटे बालक जो है, अभी बैठे बैठे आप कपाल भाती करो, ठीक है, आप तो अपना प्राणायाम करो और जो आपने शास्त्र याद कर रखा उसका पाठ भी अंदर से करते रहो। अब आप, ये कौन सा वर्ग है भाई, क्या सुनाने वाला है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी गीता, धातु पाठ और निघंटू। चलो भाई निघंटू से ही शुरू करते हैं, अष्टाध्यायी तो फिर भी कुछ सूत्र लोगों ने सुन रखे हैं, निघंटू से ही शुरू करो। तो चलो निघंटू से शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करो बेटा। अथ प्रथमोध्याय आरंभः। गौग्माज माश माश शमा शोणी शितिः अग्निः उर्वी पृथ्वी मही रिपः अदितिः इडानि गृहीतिः भू भूमिः पूषा गातु गोत्रा इत्येक विंशति पृथ्वी नामधेयानि हिमा चंद्रम रुक्मम अयः हिरण्यम पेशा कृष्णम लोहम कनकम कांचनम भर्म अमृतम मरुद्रम जातरूपम इति पंचदश हिरण्यनामानि अम्बरम व्यत व्योमा बरि दन्वा अंतरिक्षम आकाशम आपः पृथ्वी भू स्वयंभू अध्वा पुष्करम सगरः समुद्रः अध्वरम इति षोडशान्तरिक्षनामानि स्वापिष्णे नाकः गौः विष्टपम नवः इति षट् साधारणानि खेदयः किरणाः गावः रश्मयः अभिशवः दीधितयः गवस्तयः वनम उस्राः वसवः मरीचिपाः मयूखाः सप्तऋषयः साध्याः सुपर्णाः इति पञ्चदश रश्मिनामानि आताः आशा उपराः आशा काश्या व्योमा हरुभा हरितः इति अष्टौ दिग्नामानि अक्षपा सर्वरी अक्तुः ऊर्म्या राम्या यम्या नम्या दोषा नक्ता तमः रजः सिक्ष्णी पयस्वती तमस्वती घृताची शिरिणा मोकी शोकी उद्धा पयः हिमावस्वी इति त्रयोविंशतिः। तो ये धरती माता के, इस भूमि के 21 नामों से शुरू करके ऐसे जो शब्द शास्त्र है उस पर आधिपत्य आ जाता है जो निघंटू स्मरण कर लेता है। तो ये एक एक शास्त्र की बड़ी महिमा है, निघंटू की अलग महिमा है, अष्टाध्यायी की, धातु पाठ की, एक एक शास्त्र की बहुत बड़ी महिमा है। तो निघंटू भी बच्चों ने बहुत अच्छा याद किया, उसके लिए अभिनंदन हो जाए भाई। और अब धातु पाठ सुनाएंगे। धातु पाठ, धातु प्रत्यय की संरचना से हजारों लाखों करोड़ों शब्दों की संरचना का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, और ये क्रम जो है एक अध्ययन का था हमारे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद में जो एक एक विषय की निष्णातता है, अलग अलग प्रकार की कुशलताएं हैं, स्किल्स हैं, और वो एक अलग प्रकार की, एक अपरा और परा विद्याओं की एक पूरी श्रृंखला है। तो अभी धातु पाठ शुरू करेंगे, चलो एक शुरू।
अथ भ्वादिर्गणः अथिका परस्मै भाषः भूसत्तायाम् उदात्तः परस्मै भाषः तवर्गीयान्ताः अथैधादयः कथ्यन्ताः षट्त्रिंशदात्मनि भाषा एधवृद्धौ स्पर्धसङ्घर्षे गाद्रिप्रतिष्ठालिचर्वन्ते च बाद्रिविलोडने नाद्रिनाद्रियाञ्चोपतापैश्वर्या शिशु दधधारणे स्कुदियाप्रवणे श्रुतिश्रैते वदि अभिवादनसुत्योः वदि कल्याणे सुखे च मदि स्तुतिमोद मदस्वप्नकान्तिगतिषु स्फदि किञ्चित् चलने क्लिदिपरिदेवने मुदहर्षे दधदाने शदस्वट आस्वादने ऊर्धमानि क्रीडयाञ्च कूर्दकूर्दकूर्दकूर्द क्रीडयामेव शुदशरणे राधभक्ते शब्दे लादिसुखे च स्वादस्वादने पर्दकुसिते शब्दे युद्रिजुद्रिभासने वित्रिवित्रियाचने शथिशैथिल्ये गतिकौटिल्ये। चलो भाई बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्रतीकात्मक रूप से सुन रहे हैं, हमारे इन बच्चों ने घंटों के हिसाब से धातु पाठ याद किया हुआ है। फिर उसको स्मरण करना, उसकी निरंतरता बनाए रखना, पाठ करना एक अलग बात है। माने ये भी पतंजलि गुरुकुलम में हमने पहली बार प्रयोग किए कि घंटों के हिसाब से भी शास्त्र स्मरण किए जा सकते हैं, वो भी कीर्तिमान इन पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों ने बनाया। जोरदार अभिनंदन हो जाए। और धातु प्रत्यय की संरचना से ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, ये बहुत बड़ा स्किल है। ये जो है आजकल स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन ये हमारी अंतःप्रज्ञा को विकसित करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम भी है और साथ में एक बहुत बड़ी कुशलता भी है। शब्द शास्त्र बहुत बड़ा ये विषय है, इसकी संदर्भ में कभी फिर बात करेंगे। तो धातु पाठ और अष्टाध्यायी श्रीमद् भगवद गीता। अब भगवद गीता तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, देश के लोगों को ज्यादा शास्त्र समझ में ना आए या ना आए, लेकिन जब यहां पतंजलि से शास्त्र वाला जो कार्यक्रम चलता है, चाहे वो आस्था पर या फेसबुक आदि पर, इसको करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो वो सुनना चाहते हैं हो क्या रहा है, ये हमारे शास्त्र क्या है, हमने तो नाम ही सुना है और ये छोटे छोटे बच्चे उनको याद करके बैठे हुए यहां पर। तो चलो भाई भगवद गीता के पहले अध्याय से शुरू करो। अथ प्रथमोध्याय। एक साथ सभी बोल लो इसको, तो कोई बात नहीं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मम का पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं दुर्गाधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकिटानः काशीराजश्च वीर्यवान्। सुनाते रहो सबसे ज्यादा उत्साही में छोटे बच्चों में। युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् शौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्वितोत्तमा नायकाम। द्वितीयोऽध्याय। अथ द्वितीयोऽध्याय साङ्ख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपया विशम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच कुतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं कर्मार्जुन क्लेभ्यमास्मकमापार्थ नेत्रैरुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये रोढं च मधुसूदन विशूयि प्रत्युत्सामि पूजाः परिसूदन। तृतीयोऽध्याय। नहि कश्चित् क्षणमपि चातुतिष्ठति कर्म सर्वं प्रकृतिः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः समुच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते जना कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तस्तदभिशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायुष्य कर्मणा शरीरे अत्रा विचरते न प्रसिद्धे काम एषा क्रोध एषा महाशनो महापापा विद्यानेमेवैन धूमेनावृतैर्वाणि यथा दर्शो मनेन च यतुर्वेन ततो गर्भ सदा तेनेदमावृतम् आवृतं जानमेतेन चतुर्थाध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्णसन्न्यासयोगः श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनविभ्राः मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया त्यज्य योगोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चैति रहस्यम् एतदुत्तमम् अर्जुन होतो जन्मा परम जन्मा विवस्वता नहीं जाने न सदृशम नहीं जाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते नहीं कल्याण कृतकशे दुर्गतिं तत गच्छति प्राप्य पुण्य च ताम लोकान् उषित्वा शाश्वती समा सुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा भूमिर्नामे वा कुले भवति धीमताम् एते दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम् अथ बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्येते यावशोऽपि स जिज्ञासोऽपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नादिमैव अंशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापि कामति शिरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रुतं चक्षुष्पशनं च रसनं प्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्तम्भापि भुञ्जानं वा गुणादिकम् स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभति नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं कृतं स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव से अंशो धर्मो विगुणा परधर्मा सुनिश्चितात् स्वभावनिरतं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजे तो चलो ये 18 अध्याय हमने थोड़ा थोड़ा सुन लिया एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई इन सब बच्चों का भगवत गीता तो यहाँ सैकड़ों बच्चों ने छोटे बच्चों से लेकर के 5 साल के बच्चों से लेकर के और 15 साल के बालकों ने सैकड़ों ने स्मरण की हुई एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन Thank you.